जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आपको याद होगा कि पहले हमने एक 3BHK की वीडियो डाली थी जिसमें जो डेकोर पार्ट है बहुत ही शानदार और अल्टीमेट था और उसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। ये दोस्तों उसी बिल्डिंग का 2BHK फ्लैट है, इसकी भी मेकिंग बहुत अच्छी है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है दोस्तों, और जो मेन मेट्रो लाइन है वहाँ से करीबन मुश्किल से 150 मीटर है, और जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से करीबन 300 या 350 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों इस फ्लैट की एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, वो आप देखिए, देन मैं मिलता हूँ उसके बाद और आपको फिर मैं इसकी कीमत और बाकी जो डिटेल चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ।
ये दोस्तों बिल्डिंग के बाहर की रोड है, 30 फीट की रोड है। आप देख सकते हैं कि बहुत साफ सुथरी और काफ़ी अच्छी लेन है, दोनों तरफ से इसमें एंट्री है। सामने जो रोड आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों टी पॉइंट पे, सिर्फ चार घर के बाद ही जो रोड है यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे मेन रोड की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इस तरफ आप ये देख रहे हैं, ये सामने जो गेट लगा हुआ है दोस्तों, इस गेट से जैसे हम लोग लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे मेन रोड की तरफ, जो कि यहाँ से हार्डली 150 मीटर के डिस्टेंस पर है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी नज़दीक है मेन रोड से और मेट्रो से भी काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ पार्किंग की तरफ। ये है दोस्तों हमारी पार्किंग, आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड फ्रंट की पार्किंग है दोस्तों। इस बिल्डिंग के अंदर दो बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं गाड़ी की पार्किंग के लिए, जिससे कि गाड़ी को पार्क करने में और गाड़ी को बाहर निकालने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ दोस्तों अभी काफ़ी मेसअप है, काफ़ी काम अभी फैला हुआ है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग दोस्तों, आपको जो पोजीशन मिलेगी अपर ग्राउंड की, अगर आप पोजीशन चाहते हैं तो आपको अभी मिल जाएगी, और अगर आप पोजीशन चाहते हैं ऊपर के फ्लैटों की तो आप मान के चलिए कि 20-25 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगी। आपका जो लोन का प्रोसेस होगा इन बिटवीन ही फ्लैट भी आपका रेडी हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारी गाड़ी की पार्किंग। लिविंग स्पेस का जो साइज़ है दोस्तों वो 16 फिट बाय 11 फिट का है, काफ़ी अच्छा लिविंग स्पेस आपको मिलता है। मेरे दोनों तरफ आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं और दोनों ही बेडरूम बालकनी की तरफ हैं, बालकनी में खुलते हैं दोस्तों। इस तरफ हमें बहुत ही प्यारी सेमी मॉड्यूलर किचन मिलती है और इस तरफ हमारा दोस्तों कॉमन वॉशरूम है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू दोस्तों हमारी इस फ्लैट का है, चलिए मैं एक छोटी सी विजिट भी आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इस कोने से, आप देख सकते हैं कि पूरे कोने को, कॉर्नर को वुडन के काम के साथ दोस्तों बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। इस तरफ भी प्रॉपर वुडन का काम किया गया है रूफ हाइट तक, और यहाँ आपको एलईडी पैनल मिलता है, और एलईडी पैनल के साथ साथ में यहाँ भी दोस्तों आपको वुडन वर्क मिलता है। नीचे आपको टॉप मिलता है, कोई भी सामान आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। इस तरफ आपको एसी की फिटिंग मिलती है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको किचन की तरफ। इस फ्लैट में वुडन का काफ़ी सारा काम किया गया है दोस्तों, और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को डेकोरेट किया गया है। यहाँ दोस्तों हमें हमारी बहुत ही प्यारी सी किचन मिलती है, आप देख सकते हैं कि किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर बात करूँ तो 11 फीट बाय और 6 फीट की हमें हमारी यहाँ किचन मिलती है। एल टाइप का हमें यहाँ टॉप मिलता है दोस्तों, नीचे और ऊपर दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हमें स्टोरेज मिलती है, नीचे बास्केट्स मिलती हैं और ऊपर भी प्रॉपर वुडन वर्क करवाया गया है। कितना भी चाहे सामान दोस्तों आप यहाँ पर ईजिली रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉशिंग स्पेस मिलता है, स्टेनलेस स्टील का दोस्तों यहाँ पे सिंक लगाया गया है, और ये भी नए डिज़ाइन का और नए तरीके का है, जो कि आपकी किचन की जो गेटअप है, जो इसकी लुक है उसको बढ़ाता है। यहाँ दोस्तों आपको शाफ्ट मिल जाती है, एक फ्रेश एयर आपको यहाँ पे हमेशा महसूस होती रहेगी। यहाँ आपको प्रॉपर रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं किचन के दोनों तरफ दोस्तों जो किचन की एंट्रेंस है इसको पूरी तरह से ओपन नहीं रखा गया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वुडन का काम किया गया है। इससे जो लिविंग स्पेस की गेटअप है वो भी बढ़ रही है, और साथ में जो किचन की गेटअप है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। बेडरूम की मैं साइज़ की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो करीबन 12 फिट बाय और 10.5 फिट का हमारा ये बेडरूम का साइज़ है। एक तरफ आपको डिजाइनर वॉल मिलती है, यहाँ भी फॉल सीलिंग के प्रॉपर डिज़ाइन आपको मिलते हैं, बालकनी के साथ ही अटैच है दोस्तों, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी बड़ी विंडो लगाई गई है। इस विंडो में दोस्तों जाली की विंडो भी हैं और साथ में ग्लासेस भी हैं, और बीच में सेफ्टी ग्रिल भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा LED पैनल लगाया गया है और काफ़ी अच्छे से इसे डेकोरेट भी किया गया है। इस तरफ दोस्तों आपको वार्डरोब मिलती है, रूफ हाइट तक की प्रॉपर वार्डरोब आपको मिलती है दोस्तों, और अंदर और बाहर दोनों तरफ माइका लगाकर बहुत ही अच्छा गेटअप हमारी इस वार्डरोब का यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करूँगा वॉशरूम की, यहाँ दोस्तों हमें अटैच वॉशरूम मिलता है, जिसमें जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी जैगवार की हैं दोस्तों। अच्छी क्वालिटी की वॉल हैंगिंग शीट आपको मिलती है जैगवार कंपनी की, और जितनी भी टाइलिंग वर्क किया गया है वो सारा का सारा बिल्कुल एक स्टोन लुक में है, पत्थर लुक में है, और बहुत ही अच्छी फील हमारे इस वॉशरूम की दोस्तों आ रही है। एक तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि आपको शाफ्ट मिलती है, काफ़ी बड़ी शाफ्ट है, तो वेंटिलेशन की कभी भी प्रॉब्लम इस वॉशरूम के अंदर नहीं आएगी। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों इस रूम की बालकनी की तरफ। ये है दोस्तों हमारे इस रूम की बालकनी।
अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कॉमन वॉशरूम। ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम में भी बहुत अच्छे से इसे डिजाइन किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि पूरी वॉल को यहाँ पर वुडन के वर्क से कवर किया गया है और इसके अंदर भी जो LED लाइट्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है, साथ में ऑरेंज कलर और वाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इससे इसकी जो गेटअप है वो बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पे आराम से आप अपना किंग साइज का बेड लगा सकते हैं, उसके बाद भी आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिलता है। इस रूम में दोस्तों एक तरफ आपको LED पैनल मिलेगा। ये LED पैनल भी दोस्तों रूफ हाइट तक का है और काफ़ी अच्छी फील और गेटअप हमारे इस रूम को दे रहा है। इस तरफ अगेन दोस्तों आपको ये सेकेंड हमारी वार्डरोब है हमारे इस फ्लैट की। इस बेडरूम के साथ भी आपको वार्डरोब मिलेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ बालकनी की तरफ। बालकनी से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिलती है दोस्तों। ऊपर आप डे टर्न तक का AC ईजिली लगा सकते हैं और इस रूम के साथ भी दोस्तों बालकनी अटैच है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये दोस्तों हमारा इस फ्लैट का सेकंड वॉशरूम है और बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसे भी डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर भी जो सारी फिटिंग्स हैं वो जैगवार की हैं। आप देख सकते हैं कि रूफ हाइट तक की टाइल्स और शाफ्ट के साथ दोस्तों इसे भी अटैच किया गया है और काफ़ी अच्छी फील हमारे इस वॉशरूम की है दोस्तों। अक्सर हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी डिमांड होती है कि वॉशरूम अच्छे होने चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा 2BHK का फ्लैट जो कि 60 गज में बना हुआ है। चलिए दोस्तों आपको इसकी कीमत बताता हूँ। इसकी जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 32 लाख रुपये, 32 लाख रुपीज़ दोस्तों। जितने अच्छा ये फ्लैट है और जितनी अच्छी इसकी मेकिंग है और जितनी अच्छी इसकी लोकेशन है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत जो है दोस्तों बहुत वाजिब रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। आप आइए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ आपके इस फ्लैट की। किसी भी तरह की दोस्तों क्वेरी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको हर तरह की अपडेट्स हमारे वीडियो से रिलेटेड और हमारे फ्लैट से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।